नमस्कार मेरे भाइयों, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका भाई अमित मलिक एक बार फिर से आपके सामने एक वीडियो लेकर आया हूँ। भाई, वीडियो ऐसी है जो आपके अनएक्सपेक्टेड है और मेरे भी थोड़ी थोड़ी अनएक्सपेक्टेड है। थोड़ी थोड़ी कह रहा हूँ मैं, क्योंकि मैंने हर वीडियो में आपके साथ ये बात बोल ली है, तैयारी कैसी चल रही है और तैयारी दोनों चीजों की साथ साथ रखनी है। आप लोगों के जो कमेंट आ रहे थे, मैं क्या रिप्लाई करता था, भाई तैयारी दोनों की साथ साथ रखो। जिसकी तैयारी फिजिकल की हो रखी है उसको डाउन करके पेपर की तैयारी रखो, जिसकी फिजिकल की ज्यादा वीक है वो अपना फिजिकल पे ज्यादा फोकस कर लो। बात समझ आ गई। अब टॉपिक आपके सामने क्या है भाई, फिजिकल से पहले एग्जाम। क्या उड़ गए तोते हैं, मत पढ़ो। मैंने प्लेलिस्ट में वीडियो बना रखी है, ठीक है, मेरी चेक कर लो। प्लेलिस्ट में हर एक सब्जेक्ट की स्ट्रेटेजी बना रखी मैंने। अब ये एग्जाम जब पहले होगा तो तुमने करना क्या है, कुछ आता है, कितने नंबर आ रहे हैं, मॉक टेस्ट दे रहे होगे, कितने, 100, 110, 20, 140 आ रहे हैं किसी के, 140 अगर किसी के आ रहे हैं तो मेरे को ही बताना भाई, क्योंकि जब पेपर वहां होगा ना 135 40 नंबर लेने पड़ेंगे अगर पहले एग्जाम होगा तो। ठीक है, तो मैं आप लोगों के साथ जो बात शेयर करना चाह रहा हूं वो ये है कि भाई D SSS भी एक्टिव मोड में है, सीधी सी बात है ये, और आपका पहले एग्जाम कंडक्ट कराने के मूड में है। ठीक है, बात यह है कि आपका ये लगा लो कि वही 15 जून, 15 जून इस तारीख से पहले प्रधानमंत्री को शपथ लेनी है, क्योंकि पिछली लोकसभा का टाइम 15 जून तक था, इससे पहले पहले उसको शपथ लेनी है, यानी कि इलेक्शन का काम जो सारा कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ वो खत्म हो जाएगा। बात समझे, यानी कि आपके पास टाइम में मान के चलूं मई मई कितने दिन रह गए, अप्रैल मई 2 महीने, ये टारगेट लेके चलो कि मई एंड यानी कि 1 जून से पहले आपकी तैयारी हो जानी चाहिए, क्योंकि 90% चांस है भाई, लिख रहा हूं मैं, कोई ऐसे नहीं बोल रहा, वहां से खबर जो आ रही है, जो वहां चला हुआ है वो आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं। ठीक है, मेरे को कोर्स नहीं बेचना कि मैं कोर्स बेच दूं और ये कह दूंगा कि ये खरीद लो वो खरीद लो वो खरीद लो, आप लोगों की भलाई के लिए, ताकि आप एकदम से आपको ये ना लगे कि D SSS ने क्या कर दिया। और ये पहली बार नहीं है, हर बार D SSS ऐसे कुछ ना कुछ करता है किसी ना किसी एग्जाम में। अब कोर्ट वाला JJE का एग्जाम था, 10-15 दिन में डेट डाल दी फॉर्म भरने के बाद। अब उसी तरीके से आपका वार्डर का पहले एग्जाम कराने के मूड में भाई, और 90% चांस है भाई, मैंने लिख दिया, 10% हो सकता ना भी हो, क्योंकि इस पे बात चली हुई है और पूरी सहमति हो चुकी है उनकी कि पहले पेपर ले लेते हैं, जितने भी सारे एग्जाम हैं जो 5-7 भर्ती आई हुई है सभी का एग्जाम कंडक्ट करा लेते हैं, बच्चे छट जाएंगे, बाद में सिर्फ फिजिकल रह जाएगा, इस मूड में है। तो आपने करना क्या है, 2 महीने रह गए, अपनी तैयारी में जुट जाओ मेरे भाई। टॉपिक मैंने सिलेक्टेड वो बता रखे, वो तो करने ही करने हैं, उनमें भी पूरा काम नहीं चलेगा, उसके अलावा भी करने, लेकिन वो छोड़ के मत जाना भाई, वरना वहां जाकर रोओगे, मेरी वीडियो देखो फिर याद करोगे। तो अपनी तैयारी को जारी रखो, आपके पास सिर्फ 2 महीने का टाइम है, 60 दिन बोर्ड पे चिपका दो अपने डेज और काटने शुरू कर दो, 1 दिन कट गया 2 दिन कट गया वरना जिंदगी कट जाएगी ऐसे ही बग्गी झोटे और खेता में। आप लोगों के डाउट है, 2 फार्म ऑलमोस्ट ने भर रखे हैं, लड़कियों ने भी लड़कों ने भी, AS का भर रखा जिसकी ग्रेजुएशन हो रखी है भाई, मेल फीमेल की कट ऑफ सेम रहेगी दोनों की, इसमें ये नहीं है कि मेल की अलग लगेगी और महिलाओं की अलग लगेगी, ऐसा कुछ नहीं है। पेपर तीनों के इकट्ठे चलेंगे, इकट्ठे का मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि एक ही पेपर होगा, नहीं, तीनों के अलग अलग पेपर होंगे, अलग अलग कोड है तीनों का, बात समझ गए मेरे भाई, साथ साथ ही होंगे, ज्यादा गैप नहीं होगा, हो सकता है कि एक संडे को AS का है, अगले संडे को वार्डर का आ जाए, उससे अगले संडे मैटर्न का आ जाए, ज्यादा फर्क नहीं रहेगा। मैं तो खुश हूं कि पहले AS का ही ले ले, तुम्हारी तैयारी हो जाए, एक मॉक टेस्ट तुमको देखने को मिल जाए, वहां पता लग जाए कि DSS कैसे तोते उड़ा रही तुम्हारे, उसके बाद वार्डर और मैटर्न का होगा तो तुमको फायदा होगा उससे। तो मैं तो ये उम्मीद कर रहा हूं पहले AS का ही ले ले, और पहले भी AS का हुआ था जो लास्ट भर्ती हुई थी, उसके बाद वार्डर मैटर्न का नंबर आएगा। अपनी तैयारी को भाई कट ऑफ 140 तक भाई, जब मैं लेकर आ रहा हूं तो मैं भी ये उम्मीद कर रहा हूं मेरे 150 के आसपास है, तो तुम 140 तो लाओगे मेरे भाई, 100 अगर पहले एग्जाम हो गया तो कट ऑफ ऑब्वियसली ज्यादा जाएगी। क्यों उसका ज्यादा जाने का रीजन मैं बता रहा हूं आप लोगों को, कि जो पढ़े लिखे बच्चे हैं जिनसे फिजिकल नहीं होता, जो दूसरे एग्जाम की तैयारी करते हैं SSC वगैरह की, उन्होंने भी फॉर्म भर के, नौकरी सबको चाहिए मेरे भाई, कहीं भी मिल जाए, और दिल्ली की नौकरी हो तो चाहे कॉन्स्टेबल की नौकरी हो, मारी मारी दुनिया फिर रही है भाई, पैसे ले लेके भी कोई करवा दे, तो कोई नहीं छोड़ेगा नौकरी को, जो पढ़े लिखे बच्चे वो इसमें आएंगे, एग्जाम देंगे, आपकी कट ऑफ ज्यादा जाएगी।
तो तैयारी आपकी नहीं, थोड़ी सी अपर लेवल पे रखो भाई, तैयारी अच्छे लेवल पे लेके जाओ। अब बात करता हूं मैं मॉक टेस्ट की भाई। पेपर देने बैठो डीएसएसबी का, टेस्ट बुक वगैरह पे कहीं से भी ले लो, मैं किसी का नाम लूंगा कहोगे फिर मैं प्रमोशन कर रहा है। कोई भी मॉक टेस्ट उठाओ, जो भी ऑनलाइन करवा रहा हो उसका मॉक टेस्ट दे के देखो, 150 नंबर लाने दूर की बात, अटेम्प्ट भी नहीं हो रहे बच्चों से। रीजनिंग तुम्हारा 1 घंटा खा जाती है, 1 घंटा नहीं तो 50-45 मिनट डेफिनेटली आपसे अटेम्प्ट होंगे इतने। मैथ आते आते आपका ये हो जाता कि इंग्लिश रह रही हिंदी रह रही, उसको कैसे करें। माइंड में प्रेशर नहीं लेना है, अगर आप मॉक दोगे तब आपको ये पता लगेगा मैंने कौन सा क्वेश्चन छोड़ना कौन सा करना है। अब आप एक बात तो भीड़ में जा रहे हो, आप मार्केट में जा रहे हो, अब ये सोचो कि मैं ये भी ले लूं वो भी ले लूं वो भी ले लूं, ऐसा हो सकता है? नहीं, आपको ये पता होना चाहिए मैंने ये सामान लेना और ये सामान छोड़ना है, तभी तो चीजें सेलेक्ट होंगी, तभी तो बच्चे सेलेक्ट होंगे। कुछ भाइयों के कमेंट आते हैं मेरे को इंग्लिश नहीं आती, कुछ के कमेंट आते हैं मेरे को मैथ नहीं आता। भाई जिसको जोन सा सब्जेक्ट आता है, क्या आप उस सब्जेक्ट में 35+ स्कोर कर सकते हो और विद इन कम टाइम, बताओ? ये क्वेश्चन उठता है। अगर आप जोन सा भी सब्जेक्ट आता है उसमें 35+ लेकर आ रहे हो, तो जोन सा सब्जेक्ट नहीं आता उसमें आपके 15-20 तो आएंगे ही भाई, 15-20 तो मैंने वीडियो बना रखी उसको देख लो, वो टॉपिक कर लो, 15-20 आ जाएंगे। इंग्लिश पढ़ो 15-20 में क्या बड़ी बात, ये बताओ? 4-5 तो 5-10 नंबर का तो पैसिव आ गया तुम्हारा, एक्टिव पैसिव आएंगे, नरेशन आएगी, पी क्या वायरस आएंगे, वो कैब आएगी, ईडीएम फ्रेज, भाई लिमिटेड सा है, ज्यादा नहीं है, कर लो। तो आप लोगों ने करना क्या है, एक तो पहली बात मैं आप लोगों को बता रहा हूं, जो फिजिकल 2 टाइम की तैयारी कर रहे हैं बच्चे, जो दोनों टाइम दौड़ लगा रहे हैं वो छोड़ दो, ठीक है? आपकी दौड़ अगर आपकी अभी भी मैं बता रहा हूं 6 मिनट 20 सेकंड तक भी अगर आपकी रनिंग आ रही है तो दिन में 1 टाइम रनिंग करो बस। अगर 1 टाइम भी ज्यादा है, पेपर की तैयारी कम है, तो 1 दिन छोड़ के 1 दिन चले जाओ। मैं कह रहा हूं 10-15 सेकंड वहां सिंथेटिक ट्रैक पे कम आएंगी, डरो मत, दुनिया ने हवा बना रखा है, सिंथेटिक ट्रैक है ये है वो, भाई कम आएंगी, मेरी भी कम आई थी, मैं ग्राउंड पे ही दौड़ता था, वहां दौड़ा मेरी 15-10 सेकंड कम आई, सबकी आएंगी, ठीक है? तो 1 दिन छोड़ के 1 दिन जाने लग जाओ, यानी कि फिजिकल का जो तैयारी है वो डाउन करो, ये वीडियो बनाने का मतलब ये है मेरा, फिजिकल की तैयारी डाउन करके पेपर की तैयारी थोड़ी सी ज्यादा कर लो। बाकी जो 100% खबर आएगी वो आप लोगों को पता लग ही जाएगा, बाकी पूरी की पूरी तैयारी में है DSSBC कि आप लोगों का पहले एग्जाम ले और आपके तोते उड़ाए, ठीक है? अपनी तैयारी को मेरे भाई अच्छी कर लो। भाई 2 महीने का टाइम रह गया, खुद को बाहरी दुनिया से कट कर दो, कोई रिश्तेदारी में कोई मर रहा है, किसी की शादी या किसी का प्रोग्राम है, छोड़ दो मेरे भाई, कुछ नहीं फायदा, बाद में कोई ये नहीं सुनेगा कि इस वजह से तुम्हारा पेपर रह गया। दुनिया चढ़ते को सलाम करती है मेरे भाई। अगर आपके पास नौकरी है तो पड़ोसी भी आगे बात करेंगे, नौकरी नहीं है तो रिश्तेदार भी बात नहीं करेंगे। अब आपने करना क्या चाहिए वो चीज मैं आप लोगों को बता रहा हूं, ठीक है? कम से कम 8 या 10 घंटे, भाई 2 ही महीने तो रहेगी, ये सोच लो कि मैंने 2 महीने अपना जी जान लगाना है, 8 घंटे तो पढ़ ही सकते हो, करना चाहिए भाई। अगर आपकी तैयारी बीच के लेवल की है ना, तो 8 घंटे अगर आप 2 महीने पढ़ोगे तो तैयारी अच्छी हो जाएगी। आप लोगों ने करना क्या मेरे भाई, आपके मन में ये डाउट आ रहा होगा कि क्या कोर्स ले लें या फिर सेल्फ स्टडी कर लें। भाई पहली बात सब्जेक्ट की रीजनिंग, आप DSSBC के अगर 20 मॉक लगा दोगे, 20 मॉक टेस्ट 40-40 नंबर वाले या 50-50 नंबर वाले, अगर आप 20 मॉक टेस्ट लगा दोगे रीजनिंग आपकी डेफिनेटली तैयार हो जाएगी। हर रोज एक लगा दो, उसको एनालाइज कर लो, ठीक है? मैथ भाई 20-20 के जो क्वेश्चन आ रहे हैं ना, 20-20 क्वेश्चन मिलेंगे मॉक टेस्ट में, वो मेरे हिसाब से मत करो। जहां आपको 50 क्वेश्चन का सेट मिल रहा हो या 40 क्वेश्चन का सेट मिल रहा हो उसको करो। मेरा कहने का मतलब पता क्या है, मैं कोई हवा में निवाल रहा, खुद का एक्सपीरियंस बता रहा हूं। अगर आपने 20 क्वेश्चन का सेट अटेम्प्ट करा, इसका मतलब हर एक चैप्टर में से मैं ये मान के चल रहा हूं एक क्वेश्चन अगले को बनाना, भाई अगर प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन है डिस्काउंट का, उसमें से एक क्वेश्चन बनाना तो मैं सक्सेसिव डिस्काउंट का बना दूंगा, क्रमागत बट्टा। अगर मैं उसी चैप्टर में से 2 या 3 क्वेश्चन बनाने पड़ जाए तो अच्छे लेवल का क्वेश्चन भी बनेगा एक, और पेपर में वही आना 40 क्वेश्चन आने हैं, तो कोशिश करो 40 या 50 जिस सेट में क्वेश्चन हो उसको अटेम्प्ट करो। इसके भी वही मॉक लगाओ, मॉक लगाने से आपको पता लग जाएगा आपका कौन सा जो है ना वीक है। 10 मॉक टेस्ट लगा लो, 10 × 5 तो लगा लो, 5 लगाने बाद आपको पता लग जाएगा आप कितने पानी में हो, आपकी तैयारी कहां चल रही है। 5 सेक्शन आएंगे आपकी, हिंदी है भाई,
अगर मैं 10 दिन आप पढ़ लोगे ना, 10 दिन हिंदी पढ़ लोगे, 10 दिन में पूरी की पूरी हिंदी कवर हो जाएगी और आपके 35 नंबर कहीं नहीं गए। इजी सब्जेक्ट है मेरे भाई, स्कोरिंग है, लेकिन अगर आपने रीजनिंग के मॉक नहीं लगाए तो यहाँ हिंदी तक पहुंचा नहीं जाएगा पेपर में। मैं आप लोगों को पहले ही अवेयर कर रहा हूँ, अवगत करा रहा हूँ इस चीज से, वहां नहीं पहुंचा जाएगा, बहुत टाइम कंज्यूमिंग आएगा, आता सबको होगा, सीरीज ऐसी दे देंगे उसमें लिखते रहना, 3-4 क्वेश्चन को छोड़ने भी सीखने हैं आपने, वो चीज मैंने आपको बता दी। तो आपने करना क्या है, 5 सब्जेक्ट है आपके, ठीक है, 2-2 घंटा 5 सब्जेक्ट पढ़ दो, 10 घंटे होंगे। अगर आपकी जीके बिल्कुल वीक है तो आप कितना स्कोर कर सकते हो जीके में, ये बताओ। आज के दिन पढ़ने लग जाओ 2 महीने में ज्यादा स्कोर नहीं हो पाएगा। जो सब्जेक्ट आपका स्ट्रॉन्ग है कोशिश करो, जो समझ में आ रहा उसी सब्जेक्ट को 35, 37, 38 नंबर उसमें लेकर आए। ये आप लोगों के लिए स्ट्रेटेजी थोड़ी सी, बाकी मैं और वीडियो बना दूंगा स्ट्रेटेजी के लिए, ठीक है। अभी जो वीडियो बनाने का एक मतलब जो मैंने बताया कि 90% चांस आपका पहले फिजिकल नहीं है, पेपर है, पेपर की तैयारी अपनी अच्छी रखो, और जिसकी 7-8 मिनट में रेस आ रही है वो फिजिकल की भी अपनी साथ साथ रख लो, क्योंकि जो 10% चांस है, कहीं मेरे को गालियां मत देना मेरे भाई, क्योंकि ना तो मैंने कोर्स बेचना, फिर कह रहा हूं मैं आप लोगों के भले के लिए, ताकि एकदम से आपको ये ना लगे कि ये क्या हो गया, इस वजह से वीडियो बना रहा हूं ताकि आप अवेयर रहें, ठीक है। अपनी पेपर की तैयारी थोड़ी सी ज्यादा लेवल पे रखो, और मैंने वीडियो बना दी है, अब ये मत सोचना कोई और दूसरा वीडियो डाल दे, इसने क्या बता दिया, उसने क्या बता दिया, सब कॉपी पेस्ट चल रहा है, ठीक है। अब मैं बना दूंगा, कोई और बना देगा, तीसरा बना दिया, चौथा बना दिया, तुम्हारे कितने घंटे खराब हो गए। पहले ही कहा मैंने, 1-2 चैनल जो आपको ये लगे कि वो अच्छी खबर पक्की खबर देते हैं उनको रखो। भाई मैं जब तैयारी करता था मेरे साथ ये गलती हुई है, मैं 10-10 चैनल को फॉलो कर रहा था, कोई कुछ बता देता, कोई कुछ बता देता, लास्ट में कंक्लूजन ये निकलता सबकी एक ही खबर है, बात समझ गए ना। तो अपनी तैयारी जारी रखो, इधर उधर की खबरों में ज्यादा मत पढ़ो, करना तुमने ये भाई, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, ये पेपर नहीं आएगा अगला करोगे, फिर अगले की तैयारी करनी पड़ेगी। तो 2 महीने मेरे भाई तैयारी कर लो, कर लो, कर लो। ओके भाई, राम राम।